एंड वेलकम बैक टू ताशी रोटन मेरे यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होली, तो आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में हमेशा यूं ही सात रंगों की तरह रंग भरे रहें। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हम होली पे क्या क्या करेंगे। था कि हमारे घर में नहीं, फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो हम ज़्यादा कुछ होली पे नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे लड्डू गोपाल जी अपना होली खेलना स्टार्ट कर चुके हैं और हम बनाने जा रहे हैं, हम बनाएंगे पकौड़े। तो बस कट करते हैं प्याज व्याज। यहाँ पे इनको हल्का सा कलर लग चुका है और ये मोबाइल में पूरे बुरी तरह से सुबह से ही जा चुके हैं। वहाँ पे जिया रो रही हैं, उनकी पिचकारी का ढक्कन खो गया है ऊपर का, तो बेचारी होली के दिन बैठ के रो रही हैं। अब मैं अब काटूंगी प्याज। हाँ, हमारी बन रही है पकौड़ी और यहाँ पे हम बना रहे हैं चटनी, आम की चटनी बना रहे हैं, खट्टी मीठी सी। और अभी सब अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त हैं, घर पूरा बिखरा है। आज तो सब बिखरा ही रहेगा क्योंकि आज तो है होली और हम बस होली ही खेलेंगे। बहुत ज़्यादा बनता है गुलगुला जिसमें गुड़ और आटा होता है, गेहूं का आटा। आपको शुगर शक्कर डालना तो शक्कर भी डाल सकते हो। इसका बनेगा गुलगुला, इसका बनेगा दही बड़ा। तो यहाँ हमारा ऑयल हो चुका है गर्म, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना दही बड़ा बनाना। तो यहाँ पे ये पक रहे हैं, इनको हमें एकदम स्लो फ्लेम पे ही पकाना है वरना इनका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा अगर हमने इसको तेज फ्लेम पे रखा तो। और ये फटाफट आपको दिखेंगे तो कि ये हो गए हैं बट ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इनको बनाना है। हमारी मटर पनीर, हम खाने जा रहे हैं पकौड़ियाँ। मुझे लगा दिया है कलर क्योंकि हम तो होली खेल नहीं रहे हैं और हम खाएंगे। Perfect.
वीडियो बन रहा है। चौका कुल कहाँ हमें डाल देते मत डालो दीदी को तमाम गुजार है हैप्पी होली गाइस, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर।